we have another preparation, that is Pommes Allumettes, right? It's a French term, which means matchstick potatoes. Matchstick potato, matchstick देखिए ना सभी ने. Yes. So it's like a matchstick, right? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर पोटैटो आप बहुत ज्यादा फाइन कर देंगे तो हम फ्राई के समय क्या होगा, वो जल जाएंगे. तो आपको जो साइज रखना है ना, वो मैचस्टिक का ही रखना है. इसके लिए आप बड़े बड़े पोटैटो पील कर लीजिए. मैंने पहले ही पील कर लिए. उसके बाद वी गोना टू मेक स्लाइस ऑफ पोटैटोज. ऑलवेज रिमेम्बर, स्लाइस का पोटैटो भी हम वही साइज रखेंगे जिससे कि आपका जो मैच स्टिक जो है वो मिले आपको. एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस स्लाइस ओनली, राइट. दूसरी तरफ आप तेल कढ़ाई में चढ़ा सकते हैं, राइट. ओके, try to give the same size, right? Or you can even give the perfect size. The same way we can do for another potatoes also. And this goes with main course, right? As an accompaniment. So always when your main course is ready, then only you start frying it, right? और इसके trimmings को फेंकना नहीं है. Trimmings we can use for the stock. Okay? कोशिश करेंगे हम इसको paper napkin से dry करने की, क्योंकि we gonna to fry it, right? यहाँ पर हमारा ऑयल रेडी है. ऑयल का टेम्परेचर ना ज्यादा तेज होगा और ना बहुत धीरे होगा. ये जितने क्रिस्पी रहेंगे उतना बेटर है. टेम्परेचर अगर इसका ज्यादा होगा तो पोटैटोस क्या होंगे, जल जाएंगे. और ना ही हम इसको थोड़ा कम टेम्परेचर पे करेंगे, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम सॉगी. पी लेता है तेल को, राइट. दीज आर द बेसिक टेक्निक्स. ये देखिए, इट्स कमिंग गुड. वी विल वेट अंटिल वी गेट गोल्डन ब्राउन कलर. और अगर आपके जब मेन कोर्स रेडी होगा तो डायरेक्टली वी कैन पुट इट टू द मेन कोर्स एंड स्प्रिंकल द सॉल्ट ऑन इट एंड इट्स डन, राइट. वेरी स्मॉल प्रिपरेशन, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व विद द मेन कोर्स. अगर आप इसको स्नैक्स के रूप में भी लेंगे तो इट्स वेरी टेस्टी. पोटैटोज, एवरीवन लव्स पोटैटोज, राइट. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एप्पल ऑफ द अर्थ. दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉम्स. पॉम्स मींस एप्पल, राइट. And pommes de terre is potato. आलू एक ऐसी चीज है जिसको जिसके साथ भी बना के घर में भी देखा होगा. सारी सब्जियां आलू से ही बनती हैं. And the kid loves potatoes. See, perfect, right? Crunchy, right? थोड़ा और कलर ले लेते हैं. ओके, दिस इज द परफेक्ट कलर. अब हम इसको
यहाँ पर हमने कोलांडर रेडी किया हुआ है पेपर नैपकिन के साथ, सो देट जो ऑयल जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। हल्का सा इसके ऊपर ठंडा होने के बाद वी कैन स्प्रिंकल सॉल्ट एंड कैन सर्व इट विद मेन कोर्स। डन? यस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लीव योर कमेंट्स, विल शॉर्टली आंसर यू। ओके, थैंक यू थैंक यू सर।